करूं स्टार्ट? बैस लग गई। ये इसका सॉफ्टवेयर है RT8090। ये डाउनलोड कर लेना गूगल से, ठीक है। इसके बाद ये स्मार्ट आइडेंटिफाई पे टिक करेंगे। सबसे पहले करना होता है स्मार्ट आइडेंटिफाई पे, फर्स्ट स्टेप होता है स्मार्ट आइडेंटिफाई का। चलिए नई वीडियो है, चल रही है स्मार्ट आइडेंटिफाई। IDENTIFF स्मार्ट आइडेंटिफाई। सबसे पहला स्टेप ये करना होता है स्मार्ट, इसे टिक करेंगे। ओके, अब ये बायोस कनेक्ट हो गई है। अगर ये कनेक्ट नहीं होती तो यहाँ पे फेल लिखा हुआ था या पिन आउट लिखा हुआ था, पिन आउट 1, पिन आउट 2, पिन आउट 3 ऐसे करके लिखा हुआ था। कोई पुअर पिन आउट होती वो चीज लिखी भी आती अगर ये कनेक्ट नहीं होती, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कौन सा है? जर्नल प्लस। पार्ट नंबर बता दिया, MXL25L3205। आईसी का नंबर है ये, ठीक है, जो आईसी लगी हुई है ये। इस समय ये इस बायोस प्रोग्रामर के साथ अटैच हो चुकी है। अब क्या करेंगे, रीड करेंगे। नो चिप एडाप्टर और सॉकेट लॉकिंग नॉट प्रॉपरली। अगर आईसी सही से कनेक्ट नहीं होगी तो आपको बताएगा आगे। बता दिया ना इसने, लिखा हुआ आ गया ना, ये कनेक्ट नहीं है सही से। होगी रीड, ठीक है, लोडिंग हो गया। रीड हो गई है, ठीक है। रीड होने के बाद बफर चेक करेंगे कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर है भी या नहीं है। ये कोडिंग आ रही है समय पे, इसका मतलब इसमें सॉफ्टवेयर हैगा। अगर ये कोडिंग नहीं आएगी, FFF लिखा हुआ आएगा, तो इसका मतलब इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। अब इस समय पे कोडिंग आ रही है तो इसमें इसका मतलब सॉफ्टवेयर हैगा, ठीक है। बफर चेक कराइए। अब हमें यही वाली फाइल अपने पास कॉपी करनी है, यही सेम फाइल अपने पास कॉपी करनी है। तो कॉपी करने के लिए सेव का ऑप्शन है, सेव। ये कहाँ लगाऊं, डेस्कटॉप पे लगा देता हूँ, कोई फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर बनता है। ये सेव कर ली मैंने फाइल अपने पास, फाइल हैज बीन सेव्ड, नीचे लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये जो इसमें सॉफ्टवेयर आएगा इसको ब्लैंक कर देता हूँ, खाली कर देता हूँ। इसके लिए इरेज का ऑप्शन है, इरेज, इरेज हो रही है। इरेज हो गया। इरेज होने के बाद अब एक बार रीड करूंगा मैं, फिर दोबारा से रीड। रीड हो गया। अब रीड करने के बाद बफर दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे FFF आ रहा है ना, ये खाली हो गई, ब्लैंक हो गई आपकी। पहले कोडिंग आ रही थी ना इस पे लिखी हुई, तो इसमें सॉफ्टवेयर था, अब ये ब्लैंक हो चुकी है, ये आईसी खाली है अभी आईसी आपकी। अब हम इसमें फाइल जो है कॉपी करनी है, तो कॉपी करने के लिए आपको पहले यहाँ पे ओपन पे जाना पड़ेगा। जो फाइल आपको डालनी है वो यहाँ पे पहले सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ओपन पे टिक करो। ओपन पे टिक करने के बाद मैंने कहाँ पे फाइल फोल्डर बनाया था, डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर 15 बनाया था। ये आ गई फाइल आपकी, ठीक है, इसको ओपन कर लो। ये फाइल आपकी यहाँ पे लग गई। अब इसको इसमें मैं कॉपी कर देता हूँ। राइट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, ओपन के बाद राइट, ये राइट पे टिक करा है। ये राइट हुआ, और राइट करने गया फिर रीड। क्या
अब बफर आ गई कोडिंग जी, अभी ब्लैंक थी, अब कोडिंग आ गई, बंद हो गया सॉफ्टवेयर, ऐसे लगा लो जाके कहीं पे भी जा लगा दिया। कौन बैठेगा एक मिनट जल्दी बताओ कौन बैठेगा? अभी ऐसे ही ISP पे हो जाएगा, ये VGA ISP लिखा हुआ है ना जी। अब इसमें क्या करना है, VGA ISP पे जब आपका आपको ये BIOS नहीं निकालनी, आपको कार्ड में से BIOS नहीं निकालनी, आपको सेट नहीं खोलना, आप अपने पास कॉपी करना चाहते हो सॉफ्टवेयर वाला, तो आपको उसमें ISP पिन आउट पे VGA ISP पे लगाना और अपने मदरबोर्ड पे लगाना जी। आता होता है ना पीछे सॉकेट, उस पर लगाना और सेट को स्टैंड बाय पे छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे जाना ऑटो ISP पे, ऑटो ISP पे टिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो फंक्शन अभी इसने उठाया था ना यहाँ पे जी, वो सेम फंक्शन यहाँ से उठाएगा वो। उसके बाद रीड सेव राइट ओपन सेम यही फंक्शन रहेगा, लेकिन ये हो जाता है 5 मिनट में, ये निकालने में 5 मिनट में होता है, उसमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा हो जाता।